नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी डिफेंस शो में। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों K4 मिसाइल के बारे में। ये K4 मिसाइल कैसी है? ये K4 मिसाइल ऐसी है कि भाई इसे नेवी से मतलब वॉरशिप से कहीं से भी हमला किया जा सकता है। और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और आंध्र प्रदेश के तट से मतलब इसका जो है लास्ट परीक्षण किया गया था। तो इसकी रेंज बताई गई थी 3,500 से 4,000 के बीच। मिसाइल को नौसेना के स्वदेशी INS अरिहंत श्रेणी की परमाणु संचालित पनडुब्बी पर तैनात किया गया है। मतलब जो परमाणु से संचालित है ऐसी पनडुब्बी पे इस मिसाइल को तैनात किया गया है। मतलब ये मिसाइल ऐसी होगी कि मतलब हालांकि इससे पहले बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा क्योंकि उसे परमाणु पनडुब्बी पर तैनात करना है। तो यह है एक ऐसी मात्र पनडुब्बी है जो कि परमाणु क्षमता से लैस है। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है और कहाँ किया जाता है? जब भी अभी तो लास्ट परीक्षण हुआ है तो इसका परीक्षण किया जाता है पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल है। मतलब पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया जाता है और जो समुद्र के अंदर प्लेटफॉर्म होते हैं हर सेना के, हर सैनिक के, हर नौसेना के एक बेस होते हैं। मतलब कई सारे बेस होते हैं समुद्र के अंदर जिनसे कि जो नौसेना है, नेवी है, वो अपने परीक्षणों को अंजाम देती है। ये मतलब भारत की दो स्वदेशी मिसाइलों में से एक है। इससे पहले की जो मिसाइल थी वो BO-5 थी जो 700 किलोमीटर से अधिक की रेंज की थी। ये बैलिस्टिक मिसाइल होती क्या है? जब किसी मिसाइल के साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता ना तो उसे बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। मतलब कि जब इसे किसी स्थान से छोड़ा जाता है तो यह पहले ऊपर जाती है और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार नीचे आती है। तो उन मिसाइलों को बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और जो हाइपरसोनिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल होती है वो मिसाइल सीधे जाती है टारगेट पे ना। यही अंतर होता है बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल में। मिसाइलों की एक खासियत होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि परमाणु हथियार ले जाए जा सकते हैं और विस्फोटक भी बड़ी मात्रा में ले जाए जा सकते हैं। भारत के पास तो अग्नि धनुष जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। दुनिया की जो सबसे पहली बैलिस्टिक मिसाइल थी वो A-4 थी। तो अब जान लेते हैं हमारी मिसाइल जो स्वदेशी है K-4 की विशेषता। इसकी विशेषता है कि 200 किलो वजनी परमाणु हथियार ले जा सकती। परमाणु हथियार ना कि सिर्फ हथियार। और दुश्मन के रडार पर भी आसानी से नहीं आती। उनका बैलिस्टिक मिसाइल है तो आसानी से नहीं आएगी। और ये पनडुब्बी से छोड़ी जा सकती। सबसे बड़ी विशेषता यही है, पनडुब्बी से छोड़ी जाने वाली मिसाइल बहुत कम होती है दुनिया में। जो होती है वो सुपर पावर देशों के पास ही होती है। इसे डेवलप किया गया है DRDO द्वारा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे विकसित किया है और ये अरिहंत क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन पर तैनात होगी। भारत के पास INS अरिहंत है ना, ऐसा युद्धपोत है एक अकेला जो परमाणु क्षमता से लैस है। तो इस मिसाइल को बहुत सारे परीक्षण अभी भी शायद करने पड़ रहे होंगे और आगे भी शायद करने पड़े क्योंकि ये एक परमाणु सबमरीन पे लैस होगी तो खतरा ना हो इसलिए। तो दोस्तों भारत ने एक तरह से एक महाशक्ति बन गया है कि भाई बहुत ही कम ऐसे देश है जिनके पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। तो भारत उनमें से एक है। तो हमारे देश में ऐसी मिसाइल मौजूद है, हमें गर्व होना चाहिए इस बात पर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? और यदि आप और वीडियो चाहते हैं मिसाइल श्रेणी पे तो मैं और भी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप जितनी डिफेंस रिलेटेड जितने भी रिसर्च है उनके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, भले ही नेगेटिव कमेंट क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।